सो फ्रेंड्स, हम सभी के किचन्स में ढेर सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें पावरफुल ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब मैं बात करूँ पावरफुल ब्लेंडर की, तो हमेशा ये होता है कि जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, जितने ज़्यादा वाट का होगा ब्लेंडर, उतनी ज़्यादा आवाज़ करेगा। लेकिन आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। कैसे? उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रेंड सेटर चैनल क्लासी भवा किचन में। चलिए जी फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अगारो इम्पीरियल प्रोफेशनल ब्लेंडर, जो कि 2200 वाट का है, यानी कि 2200 वाट का। और ये एक बहुत ही पावरफुल ब्लेंडर है जो कि कॉपर मोटर के साथ आता है। ये एक साउंड प्रूफ कवर के साथ आता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये साउंड प्रूफ कवर आप निकाल भी सकते हो क्लीनिंग के लिए या अदरवाइज भी। और क्योंकि ये साउंड प्रूफ कवर है, इसलिए इस ब्लेंडर की आवाज़ बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है जब इसको लगा करके आप ब्लेंडिंग करते हो तब। अभी आप आगे वीडियो में देखोगे लाइव प्रूफ के साथ। अब कवर को आप सामने से थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेगा और ये अपने आप ही आराम से निकल जाएगा। सेम तरीके से आप इसे सेट भी कर सकते हो। अब क्लीनिंग वगैरह में ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो इसमें गास्केट दी गई है ना सेटिंग के लिए कवर में, उसको निकाल के भी आप क्लीन कर सकते हो, बाकी कवर भी क्लीन कर सकते हो। और जो ब्लेंडर जार दिया गया है वो कवर के अंदर होता है। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्लेंडर जार है, सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि सेफ्टी मैकेनिज्म्स के हिसाब से जब तक ब्लेंडर जार आप मशीन में सेट नहीं करते हो, ये देखिए सामने जो दिया गया है एक आपको पिन के जैसा दिख रहा होगा, इसमें सेट किया जाता है ब्लेंडर। जब तक ये ब्लेंडर इसमें नहीं आएगा तब तक ये मशीन स्टार्ट नहीं होती है। जार हटाते ही मशीन बंद हो जाती है और जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है ना वो भी बंद हो जाती है, और जैसे ही आप जार रखोगे डिस्प्ले स्क्रीन ऑन हो जाती है। अब बात करेंगे जार की, ये 2.5 लीटर की कैपेसिटी का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी मटेरियल है इसका, स्टर्डी लिड है इसकी, इसमें मेजरमेंट मार्किंग दी हुई है, रिमूवेबल इसका गास्केट है, और साथ ही में जो ये ढक्कन दिया हुआ है ना इसके ऊपर कैप भी है जिसमें आप इंग्रेडिएंट्स एडिशनल ऐड कर सकते हो। अंदर मैं अगर ब्लेड्स की तरफ देखूँ तो 8 पीसेस का स्टेनलेस स्टील का ब्लेड इसमें आता है, और साथ ही जो हैंडल है इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पे आपको मेन मशीन में ना 6 प्री सेट ऑप्शंस दिखेंगे, जूस, आइस क्रश, स्मूदीज, ग्राइंडर, सॉस, सूप। इसके अलावा ये जो नॉब दी हुई है ना, इस नॉब से ना आप टाइम भी सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस नॉब को प्रेस करके जो मशीन होती है वो स्टार्ट होती है, और जब ये दोबारा आप प्रेस करोगे तो वो बंद हो जाती है मशीन, या काम करना बंद करती है। टाइम मैनुअल दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी हेल्प से और नॉब की हेल्प से घुमा करके टाइम आप सेट कर सकते हो। टाइम बटन को जब आप प्रेस करते हो ना तो यहाँ पे 10-10 सेकंड्स के इंटरवल में टाइम चेंज होता है। अब दोस्तों, ब्लेंडर स्टार्ट करके अगर आप नॉब घुमाओगे तो राइट की तरफ जितना आप घुमाते जाओगे उतना ज़्यादा स्पीड जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, लेफ्ट की तरफ घुमाओगे तो स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि स्पीड की जो रेंज है वो 1 to 9 है, और जो 9 है वो हाईएस्ट स्पीड होती है। पल्स मोड होता है। अब इसमें जब तक आप इसको प्रेस करके रखोगे उतनी देर ब्लेंडर चलेगा, जैसे ही छोड़ दोगे वैसे ही ब्लेंडर स्टॉप हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके साथ ही ये आती है इसकी पावर केबल एंड यूजर मैनुअल, जिसमें कि बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब दोस्तों, 2200 वॉट का होने पर भी ये बहुत ही कम नॉइज करता है। अब मैं आपको साउंड चेक करा रही हूँ। सबसे पहले ये जो कवर है वो मैंने बंद नहीं किया है, और अभी आप इसका साउंड सुनिएगा। नाउ, अब मैंने इसको कवर को बंद कर दिया है दोस्तों, अब इसका साउंड सुनिएगा। तो जैसे कि आपको समझ ही आ गया होगा अभी तक, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस है साउंड में। जैसे ही आप कवर को बंद करते हो ऑलमोस्ट साउंड प्रूफ हो जाता है ये भाई। कवर लगाने के बाद जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको नज़र आएगा ना आवाज़ में, वो इसका बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर है। तो चलिए जी फ्रेंड्स, थोड़ी सी यहाँ पर मैं कुछ एक रेसिपीज़ भी बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ क्रश्ड आइस गोला। तो इसके लिए मैंने आइस ली हुई है, जार में मैंने आइस डाल दी ढक्कन लगा करके। जो आइस क्रश वाला ऑप्शन है ना उसको मैंने प्रेस कर दिया है, और आप देखोगे कि बिल्कुल विद इन सेकेंड्स ये आइस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्रश होकर के रेडी हो जाएगी। जब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ तो आप बिल्कुल अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो, एकदम स्मूथ और फाइन इसकी ग्राइंडिंग हुई है।
और हाथ से देखिए मैं प्रेस करके जब इसको शेप दे रही हूँ, तो जो भी शेप आप देना चाहो गोला का, आइसक्रीम का, वो आप दे सकते हो। मैंने इसको ग्लास में डाल लिया है और साथ ही अपनी चॉइस से रोज़ सिरप, पाइनएप्पल सिरप एंड ब्लूबेरी सिरप डाला है इसको फ्लेवरफुल वाला गोला बनाने के लिए, सो ये है परफेक्टली रेडी विद इन सेकेंड्स। चलिए जी फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ इसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल वाला कैबेज सूप। तो यहाँ पे मैंने स्टीम करा हुआ कैबेज लिया हुआ है, आप देख सकते हो, इसको मैंने ब्लेंडिंग जार में डाला है और साथ ही में बहुत थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्का गर्म पानी भी डाला है। इसी के साथ नमक और काली मिर्ची डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नींबू वगैरह भी डाल सकते हो। मैं बिल्कुल इसको प्लेन जेन एंड हेल्दी बनाना चाह रही थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे सूप वाला जो ऑप्शन है उसको प्रेस कर दिया है एंड एज यू कैन सी कि फटाफट विद इन नो टाइम सूप हमारा बन करके रेडी हो रहा है एंड द सूप इज रेडी। सूप को तुरंत ही सर्व कर लेंगे और साथ ही फ्रेंड्स इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ थोड़े से मिंट लीव्स के साथ में। बहुत ही अमेजिंग सूप, फटाफट रेडी है, बिल्कुल थिक है, क्रीमी है और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अभी फाइनली मैं इसमें थोड़ा सा जूस भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्रेश एप्पल लिए हुए हैं जिनको मैंने रफली डाइस कर लिया है, जार में मैंने इनको डाल दिया। बहुत ही थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी ऐड करने जा रही हूँ, कोई चीनी कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल एकदम हेल्दी चाहिए, फाइबर से भरा हुआ मुझे जूस चाहिए यहाँ, इसलिए मैं इसको फटाफट तुरंत जा करके जूस ऑप्शन चूज करके ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्मूथ हमारा जूस बन करके रेडी हो चुका है जिसको मैं ग्लास में सर्व कर रही हूँ, फाइबर से भरा हुआ और दोस्तों बिल्कुल न्यूट्रिशियस, एकदम सारे इसके न्यूट्रिशंस मेंटेन हैं, पीने में भी सुपर टेस्टी और जूस है हमारा रेडी। दोस्तों अब बात करते हैं क्लीनिंग की। तो जो हमारा ब्लेंडर जार है ये डिश वॉशर सेफ नहीं है और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेस है इसका, इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, मतलब आप इसको पानी में सबमर्ज करके डुबा करके नहीं इसको धुलिएगा, बस ब्लेंडर जार को अंदर से और ऊपर से वॉश कीजिएगा, बाकी बॉडी जो है इसकी उसको ड्राई या वेट क्लोथ से आप क्लीन कर लीजिएगा एंड सेम तरीके से जो मशीन की पूरी बॉडी है या फिर कवर है उसको आप ड्राई या फिर हल्के से वेट कपड़े से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, ये परफेक्टली क्लीन हो जाएगा। और जो ब्लेंडर का कवर है वो भी आप अलग निकाल करके इसी तरीके से एक साफ कपड़े से क्लीन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया, आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप भी इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसको परचेज करने की, चेकआउट करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।